आज मैं आप लोगों को हेमेटोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। आखिर हेमेटोलॉजी होती क्या है और हेमेटोलॉजी विशेषज्ञ की क्या आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स। वो ब्लड डिसऑर्डर किसी भी किस्म के हो सकते हैं। हमारे अमूमन हमारे बॉडी में तीन टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। मोटे तौर पे ये एक रक्त कण जो लाल खून बनाते हैं, जिनको हम लोग RBC कहते हैं। सेकंड WBC यानी कि श्वेत ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं। और तीसरे प्लेटलेट्स। तो अमूमन इन तीनों सेल्स की किसी भी परेशानी से जब भी कोई मरीज ग्रसित होता है तो वह हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करता है। मोटे तौर पे हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स दो किस्म के होते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस। कैंसरस मींस मैलिग्नेंट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और नॉन कैंसरस मींस बेनाइन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैलिग्नेंट ब्लड हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सारे किस्म के ब्लड कैंसर्स आते हैं, जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। जिन लोगों के किसी के घर वाले या कोई भी फैमिली मेम्बर इन बीमारियों से ग्रसित होगा तो उनको इन बीमारियों के नाम मालूम होंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं वो आमतौर पे यूजुअली बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक तरीके किस्म की बीमारी होती है जिसमें छोटे बच्चों को जन्म से हर 2 या 3 हफ्ते में ब्लड चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार एक और बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें बच्चों के रक्त कण एक अलग शेप के होते हैं जिसके चलते उनका बार बार हीमोग्लोबिन गिरता रहता है। ऐसी ही एक बीमारी होती है ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि हमारी बॉडी के बोन मैरो जहाँ पे खून बनता है वह पूर्ण रूप से सूख जाता है तथा बोन मैरो ब्लड प्रोडक्शन बिल्कुल रोक देता है। तो मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि किसी भी पेशेंट या किसी भी फैमिली मेम्बर को यदि ब्लड की किसी भी परेशानी से ग्रसित हो तो वो जल्द से जल्द अपने निकटतम हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, क्योंकि हेमेटोलॉजिस्ट ही उसको एक सही ओपिनियन उस बीमारी के बारे में प्रदान कर सकता है तथा जल्द से जल्द उसका इलाज कर सकता है।